तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी लोग मस्त होंगे। आज करने वाले हैं ब्लैक बैकग्राउंड के साथ फेक स्माइल फोटो एडिटिंग, जो कि आप लोगों की आंखों के सामने देख सकते हैं कितना हार्ड हुआ है। आप लोगों को बिल्कुल सेम एडिटिंग करना बताऊंगा, और इतना ज़्यादा डार्क मैंने बैकग्राउंड कैसे किया एक क्लिक के अंदर, और मैं हैंड के ऊपर टैटू कैसे लगाता हूँ इतना फुल HD, और ये फेक स्माइल वाला PNG मैं कहाँ से लाया हूँ, और अपने बालों को मैं एडिट कैसे करता हूँ, इतना खतरनाक रिटचिंग कैसे करता हूँ, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को सारा कुछ सिखा दूंगा। जो जो PNG स्टॉक वगैरह इसमें यूज किया हूँ, सारा कुछ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आप लोग जान पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे पहले चैनल पर आए तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे और आप मेरा वीडियो देख सकें। तो चलते हैं बिना देर किए वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अपना ओरिजिनल पिक ले लीजिएगा कुछ इस टाइप से पोज देके, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह फेस में अच्छा रहना चाहिए, क्लियरिटी से, ठीक है। एंड इसको क्या कीजिएगा, स्नैपशीट में ले जाके हल्का फुल्का बस साफ कर दीजिएगा सिलेक्टिव टूल से, उतना तो सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है गाइस। अब क्या करना है इसको देखिए, सबसे पहले शेयर करेंगे Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। तो ध्यान रखिए गाइस, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। ये रहा Lightroom एप्लीकेशन, ठीक है, इसके अंदर शेयर कर देते हैं। तो गाइज यार, हमारा फोटो जो है Lightroom एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, एक इसके लिए एक खास प्रेसेट बना के रखा हूँ, बहुत ही तगड़ा प्रेसेट है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बनाया हूँ आप लोगों के लिए गाइस। इसको क्या करेंगे, ये रहा हमारा प्रेसेट, ठीक है। अब कोने में देखिए 3 डॉट का ऑप्शन है, ठीक है, एंड उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट से कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद नीचे की तरफ देखिए एक आइकन मिलेगा जो कि खाली है, इसको भर देना है और राइट के आइकन पे क्लिक कर देना है, और कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो प्रेसेट है वो कॉपी हो गया। अब आते हैं ओरिजिनल पिक के ऊपर, जिसको हम लोग एडिट कर रहे हैं। 3 डॉट पे क्लिक करके इसमें पेस्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं ब्लैक करना दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, करके बताऊंगा। अभी वीडियो में बने रहिएगा, और HD फेस भी करना बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और कैसे सारा PNG वगैरह और प्रेसेट वगैरह डाउनलोड होगा आप लोगों को सारा कुछ बता दूंगा, बिल्कुल ओरिजिनल डाउनलोड होगा और अच्छे से वर्क भी करेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके और सेव टू डिवाइस कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेव हो जाएगा गैलरी के अंदर। तो गाइज यार, हमारा फोटो जो है गैलरी के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा पहला स्टेप जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप के तरफ। तो ध्यान रखिएगा, अब इसको स्मूथ करेंगे, तो शेयर कर देंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। स्मूथ करने में टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। तो ये रहा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन, ठीक है, यानी स्केच बुक। तो गाइज यार, हमारा फोटो जो है स्केच बुक के अंदर आ चुका है। यहाँ पे हम लोग इसको स्मूथ करेंगे, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए प्यारा साथ, ताकि मैं अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ ये रहा ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। एंड ब्रश देख लीजिए मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ये वाला ब्रश है। एंड इसका सेटिंग देख लीजिए, या 10%, 4% और साइज फ्री साइज कोई भी रख के, मतलब साइज जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एंड मैं साइज इतना कर देता हूँ फिलहाल में, और सबसे पहले ऊपर का पार्ट जो है स्मूथ किया जाता है। तो यहाँ पे साइज छोटा का जरूरत रहता है, तो ऊपर की तरफ मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और देखिए कितना अच्छा से स्मूथ हो रहा है, तो ये आँखों के बीच में बिल्कुल आराम से स्मूथ करना है, सारा कुछ बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। और जैसे फेस का टेक्सचर बना रहता है ना गाइज, उसी तरह घुमा घुमा के किया जाता है, ना कि एकदम सीधा सीधा कर दिया जाता है और बिल्कुल मतलब प्लेन हो जाए, ऐसा नहीं। फेस जैसे बना रहा है वैसे ही, और ब्रश को गोल गोल मत घुमाइएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ब्रश को सीधा सीधा चलाइएगा, जिससे रियलिस्टिक लगेगा हमारा फेस, ठीक है गाइज। इसी के लिए गोल गोल नहीं घुमाया जाता है। अब देखिए कितना मस्त एक साइड का जो है स्मूथ हो चुका है। अब इधर की तरफ करते हैं। एंड कितने लोग क्या करते हैं गाइज, स्मूथ करते टाइम ध्यान रखिएगा ये चीज़ मिटा देते हैं, ठीक है, इसको स्मूथ कर देते हैं। तो इसको स्मूथ ना कीजिए, ठीक है गाइज, इसको स्मूथ नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा तरीके से जो है स्मूथ हो रहा है, और फोटो को उल्टा पुल्टा करके इधर उधर करके स्मूथ कीजिएगा ना, तो एक्सपीरियंस आप लोग का बढ़ेगा और हार्ड कर पाएंगे। देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मतलब तरीके से स्मूथ हो रहा है। एंड इसी ब्रश को ज़्यादातर यूज कीजिए, ठीक है, अच्छा ब्रश है, कोई
दूसरे ब्रश पे बिलीव मत कीजिए। देखिए काफ़ी ज़्यादा, और नोज जो है ना गाइज, इसको सीधा सीधा ब्रश को चलाया जाता है नोज के ऊपर। अब देखिए अच्छे तरीके से हो गया, एंड फेस के ऊपर तो हमारा मतलब वो चीज़ रहेगा, इतना दूर तो रहेगा ही वो पेपर जो था स्माइल वाला, तो इतना दूर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गले के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं एंड हैंड के ऊपर, तो मैं जल्दी जल्दी स्मूथ कर लेता हूँ। आई होप कि इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइज यार हमारा फोटो जो है अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है और गैलरी के अंदर सेव हो चुका है, ठीक है गाइज। अब देख लीजिए अच्छे तरीके से स्मूथ कर दिया हूँ, एंड इसी टाइप से आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद से दूसरा स्टेप जो है हमारा ख़त्म हो गया, अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो तीसरा स्टेप में हमने क्या लगाना है, PNG वगैरह लगाना है हमें, ठीक है। तो इसको शेयर करते हैं PixArt एप्लीकेशन के अंदर। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया ऐप है ये, आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आसानी से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा PixArt, ठीक है। सबसे पहले इसको फोटो को रिसाइज कर देंगे ताकि हमारा फोटो फटे नहीं। तो नीचे की तरफ देखिए टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा तो इसके ऊपर क्लिक करके फर्स्ट में लिखना है 5000 लिख दिए, और नीचे की तरफ देखिए 28x29 शो हो रहा है तो 28x29 कर देंगे, 28x29, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा फोटो जो है फटेगा नहीं थोड़ा सा भी, कोई भी वर्क करें तो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हैंड में मतलब वो फेक स्माइल वाला PNG मैं ऐड कर देता हूँ। वो कैसे मिलेगा सारा कुछ बताऊँगा वीडियो में, बने रहिए, ठीक है। तो उसको पहले लगाना सीख लीजिए, तो ऐड फोटो पर क्लिक करके मैं उसे ऐड कर देता हूँ। तो गाइज यार वो PNG आ चुका है, इसको क्या करेंगे कुछ इतना बड़ा करके और फेस के ऊपर इतना पे कर देना है, ठीक है। एंड इरेजर पे क्लिक करके, और ये फिंगर का पार्ट है ऊपर जो पार्ट है गाइज, उसको इरेज कर देना है जिससे लगे ये मैं पकड़ रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इतना होने के बाद गाइज क्या करना है, राइट के आइकन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इतना तो हो गया गाइज, अब क्या करेंगे दूसरा PNG लगाएंगे साइड साइड में, जो ग्रीन कलर का सॉरी पिंक कलर का वो था स्माइल वाला, उसको लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐड फोटो क्लिक करके 2-3 PNG और ऐड कर देता हूँ, सॉरी 2 PNG। तो गाइस ये रिया वाला हमारा PNG जो है आ चुका है, इसको क्या करेंगे बड़ा कर देंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग नीचे की तरफ क्या करेंगे, इसका ह्यू जो है चेंज करेंगे। तो नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं, एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे देखिए ह्यू लिखा है, ठीक है। तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को कोई भी कलर अच्छा लगेगा वो रख लीजिएगा। तो मैं इसको पिंक कर देता हूँ, ठीक है, पिंक कलर कर दूंगा। एंड राइट के आइकन पे क्लिक करेंगे, और गाइज नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, ब्लेंडिंग मोड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्रीन कर देना है इसको, देख लीजिए ऑटोमेटिक लग गया, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। इतना होने के बाद गाइज क्या करना है, एक मैं दिल वाला भी PNG लगाया था उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो छूट जाएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो गाइज ये हमारा दिल वाला PNG जो आ चुका है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ब्लेंडिंग मोड के अंदर आके और स्क्रीन कर देंगे, और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसका डुप्लीकेट पार्ट करके यहाँ पे लगा देते हैं, बस फोटो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगने के लिए, ठीक है गाइस। तो इसको ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब राइट के आइकन पे क्लिक करके इसे सेव कर देंगे, और एक वाइट लाइट लगाया था ऊपर की तरफ से उसको लगा देते हैं। तो स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर सर्च करना है क्या, वाइट लाइट, एंड उसके बाद से एक टैटू लगा देना है। उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे क्या चीज़ मिलेगा और सब कुछ कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है वाइट लाइट, तो इस पर क्लिक कर देना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। एंड इसको क्या करेंगे, ब्लेंडिंग मोड के नीचे की तरफ मिल जाएगा ब्लेंड, ठीक है, उस पर क्लिक करके और स्क्रीन कर देंगे, और इसको यहाँ पर लगा देते हैं हल्का सा, थोड़ा सा ऑपसिटी जो है डाउन कर देते हैं इसका। एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देना है। आँख को थोड़ा सा रेड करना है, और हैंड के अंदर टैटू लगाना है हैंड पे, ठीक है। तो टैटू कौन सा लगाना है, स्टिकर वाले ऑप्शन के अंदर आ जाइएगा, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा TATTO, ठीक है, इतना ही सर्च करना है। और नीचे की तरफ देखिए ये वाला टैटू जो है मैंने लगाया है, इसी को लगाएंगे, ठीक है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोगों में कौन सा अच्छा लग रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगेगा, इसी को भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका ऑपसिटी जो है डाउन कर देंगे, कम कर देंगे, लगभग 30 के आसपास फिलहाल में कर देते हैं। एंड इसको इतना पे कर देंगे, इरेजर पे क्लिक कर दीजिएगा, और इरेजर पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ देखिए इन्वर्ट लिखा है सबसे लास्ट में, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और रेस्टोर पे क्लिक करके हार्डनेस 100% रखिएगा, और साइज अपने हिसाब से। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ हमें टैटू चाहिए वहाँ वहाँ पर इसको चला देंगे, ठीक है गाइस। तो जहाँ जहाँ हमें चाहिए वहाँ वहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से चलाइएगा आप लोग, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, मतलब वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ गाइस, नहीं तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप लोग के आंखों के सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है? वीडियो को वॉचिंग करते रहिए। अब नीचे का पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी कर देते हैं। जहाँ पे ओवर हो जाता है वहाँ पे इरेज कर दीजिएगा, ठीक है? तो नीचे का पार्ट जो है गाइज अच्छे तरीके से लग चुका है, इसी टाइप से बिल्कुल आराम से लगाइएगा। ऊपर की तरफ ध्यान देते हैं, तो ऊपर की तरफ ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है? थोड़ा सा बस लगाना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गया। अब क्या करना है गाइज, अब इरेजर पे क्लिक कर दीजिएगा, हार्डनेस कम कर दीजिएगा, साइज बड़ा, ठीक है? और ऊपर से फोटो को मतलब जूम आउट कर दीजिएगा, मतलब छोटा कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से हल्का हल्का इरेज कर दीजिएगा, बिल्कुल हल्का हल्का मारेंगे ना उसके दूरी पे, तो वो लगेगा कि मतलब धीम करके मिटा गया है। एंड इसका ऑपसिटी देख लीजिए कितना आप लोगों को चाहिए, उतना रख दीजिएगा। मैं लगभग 30 रखूँगा, यानी 30 पॉइंट, ठीक है? 30%, इतना भी करके डन कर दिया, ठीक है गाइस? अब क्या करना है, आँख में थोड़ा सा रेड था मेरा, तो मैं रेड कर देता हूँ आँख को। और आंसू PNG तो लगाना भूल ही गए, तो ऐड फोटो क्लिक करके मैं आंसू PNG भी आप लोगों को दे दूँगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये रहा आंसू PNG। तो सबसे पहले आंसू को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं, एंड इसका डुप्लीकेट पार्ट कर देंगे। और यहाँ पर एक लगा देंगे, इसका डुप्लीकेट एक और पार्ट कर देंगे, और इसको भी इधर की तरफ लगा देंगे, ठीक है? और एक और डुप्लीकेट पार्ट कर देते हैं। एंड क्या करना है गाइस, अब राइट के आइकन में क्लिक करके सेव कर देना है। अब क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा, रिटच का ऑप्शन मिलेगा, लास्ट ऑप्शन है, ठीक है? लास्ट पॉइंट भी हमारा, तो ध्यान दीजिएगा इसको। नीचे की तरफ देखिए हेयर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हेयर कलर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे फर्स्ट में देखिए पूरा कलर का दुकान पड़ा होती है, उसको खोल देना है। एंड रेड कलर जो है सेलेक्ट करके राइट के आइकन पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद ऊपर की तरफ देखिए बैक का एरो है, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और नीचे की तरफ देखिए मैनुअल है, उस पर क्लिक करके अपने आँख को जूम कर लीजिएगा, ठीक है? और बिल्कुल वाइट के साइड साइड चलाइएगा, ठीक है? अंदर की तरफ चलाइएगा लेकिन साइड साइड, इतना पे कर दीजिएगा। और इधर की तरफ भी कर दीजिएगा, ठीक है? इतना पे होने के बाद क्या करेंगे, सैचुरेशन फुल कर देंगे, और अमाउंट लगभग मैं 50 के आसपास रखूँगा, ठीक है? इतना होने के बाद क्या करेंगे, राइट के आइकन पे क्लिक कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। अब नीचे की तरफ स्लाइड कीजिए, ड्रा टूल का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, ये रहा ड्रा टूल, तो इस पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके फोटो को सेव कर देंगे, ठीक है? अब चलते हैं गैलरी के अंदर, ये रहा, ठीक है? हमारा फोटो गाइस, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे, शेयर कर देंगे कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है? HD करने के लिए, तो फिलहाल में उसके अंदर ले चलते हैं। ये रहा स्नैपसीड एप्लीकेशन, ठीक है ना गाइस? इसके अंदर शेयर करते हैं, एंड टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले टैटू के ऊपर ले जाएंगे, और इतना पे कर देंगे सिलेक्ट, दो फिंगर द्वारा कीजिएगा हमें कितना का चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस देके कॉन्ट्रेस्ट को बढ़ाइएगा, घटाना नहीं है, यहाँ पे बढ़ाना है, और सिचुएशन को थोड़ा सा डाउन कर देना है, ठीक है? इतना होने के बाद फिर से सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट कर देंगे, और ये हमारे गले पे ले जाकर छोड़ के थोड़ा सा ब्राइटनेस दे देंगे, कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे, और सिचुएशन डाउन कर देंगे, ठीक है? इतना पे होने के बाद गाइस क्या करना है, टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए डिटेल्स का ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देना है। और नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा, दूसरे नंबर पर सरपैनिक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे लगभग 50% कर दीजिएगा, देख लीजिए बालों में डिटेल्स बिफोर एंड आफ्टर। एंड उसके बाद से देखिए इसको गाढ़ा ब्लैक कैसे किया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए कर्वस का ऑप्शन है, ठीक है? इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और फर्स्ट में देखिए कलर का ऑप्शन है इसके अंदर, और सबसे फर्स्ट में जो लिखा है RGB, इसके अंदर आ जाना है, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर करके नीचे की तरफ डाउन कर देना है, ठीक है? थोड़ा सा इतना होने के बाद सबसे लास्ट में देखिए लूमेंस का ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और नीचे की तरफ हल्का सा डाउन कर देंगे। इतना होने के बाद गाइस क्या करना है, फिर से टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा सा फेस को और साफ कर दीजिएगा, और टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, सबसे नीचे देखिए कोने में विग्नेट का ऑप्शन है, ठीक है ना? इस पर क्लिक कर दीजिएगा, हल्का सा विग्नेट बढ़ा दीजिए, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर,
बिल्कुल सेम एडिटिंग करके आप लोग को दिखा दिया गाइस। इसी टाइप से आप लोग एडिट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो भी कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे मेरा नंबर है, जाके मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं पर्सनल डाउट हो तो, ठीक है गाइस, और नहीं तो मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब क्या करना है गाइस, इसको अब इसमें जो जो PNG स्टॉक वगैरह एंड प्रेसेट में यूज़ किया हूँ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, स्टॉक में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिस भाई में मेरा प्रेसेट वर्क नहीं कर रहा है वो मतलब लाइटरूम को डिलीट कर दीजिए पूरा और फिर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है गाइस। जिस भाई में मेरा प्रेसेट वर्क नहीं कर रहा है डिलीट करके लाइटरूम डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई, एंड अच्छे तरीके से वर्क होगा। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को सारा स्टेप समझ में आ गया होगा, एडिटिंग समझ में आ गया होगा, मुझे टैग मेंशन जरूर कीजिएगा एडिटिंग करने के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर। तो गाइस यार फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।